वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली दफ़ा मैंने एक बात सुनी है, आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा। और आप लोग देख सकते हैं ये गिन के मुकाम पे हम हैं। और यहाँ एक भाई ने कहा है कि चाबी वाला अखरोट, जो कि मैं एक पहाड़ी इलाके में रहने के बावजूद चाबी वाला अखरोट मैंने मेरे ख्याल में कभी नहीं देखा है। तो अभी ये तो इसका माशाल्लाह बहुत बड़ा दुकान है, आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन चाबी वाला अखरोट अभी मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि हाँ भाई आपने क्या कहा, ये चाबी वाला अखरोट नीचे कितने का मिलता है? ये हमने मरदान में इसका रेट पूछा था तो वो लोग 4000 रुपया बता रहे थे पर केजी। इधर इन भाई साहब से मैंने पूछा तो इन्होंने कहा कि इधर हम 650 में बेचते हैं। 650 में? माशाल्लाह यार, ये इतना फ़र्क कैसा है? तो ये माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो वाला नहीं है? ये वो वाला नहीं है। कौन सा है ये? ये तो कागजी है। ये चाइना वाला है ना? ये चाइना है, वो भी चाइना वाला है। वो भी चाइना वाला है। ये होता है बिल्कुल हाथ के साथ, बिल्कुल हाथ के साथ। ये इसको कागजी अखरोट कहते हैं। और आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये गिन के मुकाम पे बहुत बड़ा शॉप है, इस पे मिल रहा है। और इसके पास बहुत सारी क्वालिटी है, अखरोट, बादाम और जो कि खुशक फ्रूट है उसकी। 650 का 1 किलो है। 5 किलो कितने का बनता है? 5 किलो 30 और 3250। इतना वो नहीं है यार, मैंने 3000 में अखरोट दिखाई ना, इसने हाथ से तोड़ा है। यही क्वालिटी है, चाइना अखरोट है। और ये क्या है? चेरी, लाल चेरी। लाल चेरी यार, हमने दूसरी चेरी तो बहुत खाया था। लाल चेरी ये भी पहली दफ़ा सुन रहा हूँ यार, हमने कुछ नहीं देखा है दुनिया में। बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बिल्कुल ठीक है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, दुनिया ने बहुत तरक्की की है। और हम एक बंद जगह कोहिस्तान नाम है, वहाँ बैठ बैठ के हमने कुछ नहीं देखा है। और ये बहुत बड़ी शॉप आप लोग देख सकते हैं, इधर काफ़ी सारी शॉप है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग ज़्यादा बैठते हैं। और आप लोगों को मैंने दिखाया है, इस शॉप पे नाम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं हैरान इस बात पे हुआ कि इधर ये बंदा 3250 का बिल्कुल हाथ से तोड़ने वाला अखरोट दे रहा है। और जो कि मैंने पिछले दिनों लिया था 3000 का लिया था। इधर तरह तरह के फ्रूट मिलते हैं, आप लोगों को बताता चलूं, हर तरह का फ्रूट मिलता है। और हमारा फाइनली जो हमारा टूर का मकसद है अभी, उस पे मैं आप लोगों को ले आता हूं। ये हमारे कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है, वादी डॉट पी के, जो कि टूरिज़्म एक कंपनी है। और वो बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ऑनलाइन है, हर जगह पे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। एक बात और सुने, नूर ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भूलना नहीं। नूर ऑफिशियल, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। जी जी, क्या फरमा रहे थे आप? हम आपके और जाहिद साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें ये मौका प्रोवाइड किया कि हम आपके वादी डॉट पी के की वसातत से हम गिलगित का टूर कर रहे हैं। और आप लोगों ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी है, आप लोगों की मेहमान नवाजी, आप लोगों का सलूक रवैया हमारे साथ बड़ा अच्छा रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह के टूर आप हमारे लिए कराते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं आपसे एक, जो लोग टूर पर जाते हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा वादी डॉट पी के की तरफ से? मैं यही कहता हूं कि अभी आप तो का तो इनिशियल आपका प्लेटफॉर्म है, तो इसमें आप लोग बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को। मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि लोग आपके वादी डॉट पी के से फ़ायदा उठाएं और इजी तरीके से, सहूलत के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ वो अपने टूर को सही तरीके से अवेल करें। और यही एक प्लेटफॉर्म है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वादी डॉट पी के कि यही प्लेटफॉर्म से लोग अच्छी तरीके से, सही तरीके से इंजॉय करके अपना टूर कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी।